हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इस संडे हम लोग गए थे गुड़गांव बच्चों के मामा के घर, और वहां से वापसी आते आते हमारी नज़र पड़ गई यहां पे M3M IFC में। हमारा कोई प्लान नहीं था आने का, बट स्टिल रास्ते में हमें दिखा तो हमने कहा चलो यहां पे एक बार एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। जैसे हमारे हम मॉल जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे शोरूम्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं, वैसे ही ये रेस्टोरेंट का मॉल है। यहाँ पर हर टाइप के आपको फूड आउटलेट्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले पार्किंग में जाने का प्लान किया, फिर हमने सोचा कि वॉलेट पार्किंग में दे देते हैं। वॉलेट पार्किंग थी फुल, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हम चले गए पार्किंग में। पार्किंग में यहाँ पे आपको फुल चार्ट मिल जाएगा कि ग्राउंड फ्लोर पे कौन से रेस्टोरेंट हैं, फर्स्ट पे कौन से हैं, सेकंड पे कौन से हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे। अब भाई देखो, ऐसी बात है कि हम बच्चों के साथ आते हैं तो हमें टैक्स तो पे करना ही पड़ता है, और हर जगह आजकल बच्चों के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें मिल गई थी ट्रेन, टॉय ट्रेन है तो बच्चों को घुमाना तो बनता ही था। तो सबसे पहले हमने बच्चों को टॉय ट्रेन पे बिठाया, और उनकी राइडिंग के बाद ही हम कुछ कर सकते थे। ब्रूम 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 दर्श हमारे साथ टॉय ट्रेन पे नहीं बैठा था, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है तो उसे बच्चों वाले काम लगता है, तो वो नहीं करता हमारे साथ, तो इसीलिए वो हमारे साथ साथ चल रहा था। टॉय ट्रेन की स्पीड तो इतनी कम है कि बंदा चलते चलते भी इससे ज़्यादा आगे निकल सकता है। तो गाइज़, ये हैं सारे ब्रांड्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं रेस्टोरेंट्स के, तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कौन से रेस्टोरेंट के ब्रांड्स हैं। और बेसमेंट में तो फुल चार्ट लगाया हुआ था कि ग्राउंड फ्लोर, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको स्पेसिफिक ब्रांड पे जाना है तो आपको कौन से फ्लोर पर वो रेस्टोरेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी थी रेस्टोरेंट्स की, हम कन्फ्यूज़ ही हो गए, क्योंकि हम सोच के तो कुछ आए नहीं थे, तो इसलिए हम इतना कन्फ्यूज़ हो गए थे कि हमें कौन सा रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए। तो हमने जो रेस्टोरेंट पहले ट्राई कर रखे थे, हमने कहा वहाँ जाने कोई लॉजिक नहीं है, तो हम लोग इस बार चले गए चाइना गार्डन कैफे में। मन कर रहा था, अच्छा चाइनीज हर जगह तो मिलता नहीं है, तो हमने कहा चलो यहाँ का ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस, एंटर करते ही काफ़ी अच्छी थीम थी इनकी, चाइनीज़ थीम, तो काफ़ी अच्छी सी वाइब आ रही थी वहाँ पे। तो हम लोगों ने अपनी टेबल ले ली, कोई बुकिंग नहीं करवाई थी क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं थी, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश भी नहीं था कि बुकिंग की नीड पड़े। तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर इसीलिए बैठे क्योंकि रश ना होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा टेबल्स बुक नहीं थी। वैसे फर्स्ट फ्लोर भी है इनका, वहाँ पर भी अवेलेबल है सारा कुछ, बट स्टिल हम लोग नीचे बैठ गए थे। और बाकी ये जो केज टाइप में इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है, बहुत ही अमेजिंग था। तो सबसे पहले इन्होंने हमें सर्व किया पानी, और ये जग का डिज़ाइन देख के इसने मेरा दिल जीत लिया, वही मुझे बहुत पसंद है, कहीं मुझे मिलेगा डेफिनेटली मैं घर के लिए लूँगी। और सबसे पहले हमने ऑर्डर कर दिया था यहाँ पे मनचाओ सूप, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, एलिगेंट था, मतलब ये नहीं था कि इसमें कॉर्नफ्लावर भर रखा है, बिल्कुल ही बहुत ही डिसेंट सा टेस्ट था इसका। उसके बाद फिर हमने मंगाए वेज हाका नूडल्स, ये भी बड़े सिंपल से थे और सब कुछ नॉन स्पाइसी था, तो यूवी भी आराम से खा पा रहा था। और यहाँ पे हमने मंगाए हैं वेज डिमसम्स, और उसके साथ सॉसेज हैं। और ये है हमारा ऑल ओवर डिनर, जो कि हमने बिना प्लानिंग के यहाँ पे कर लिया, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था डिनर करने का। तो अब रिव्यू ले लेते हैं बच्चों से। तो दर्श को तो खाना बहुत अच्छा लगा, तो फाइनली हम लोग ने डिनर कर लिया है, अब चलते हैं घर और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।